हेलो मैकेनिक भाइयों, पार्ट वन में हमने देखा एसीजी स्विच कैसे वर्क करता है, साथ ही साथ इसके वायरिंग हार्नेस कहां कहां पे जाते हैं, चार वायर जो है इसके कलर कोड के बारे में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो बहुत ऐसे मैकेनिक भाई थे जिसका कमेंट था कि पार्ट टू लेके आइए जिसमें आप इसके डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए, इसके पीडीएफ के बारे में बताइए। तो चलिए आपको पार्ट टू में आपको दिखाएंगे, पीडीएफ इसके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जहां पे आपको कंप्लीट ईसीयू के बारे में पता चल रहा होगा कि ईसीयू का कलर कोड कहां कहां से कौन सा वायर आता है। आप स्क्रीन के ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए पीडीएफ के ऊपर ले चलते हैं और आपको कंप्लीट डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लैक वायर कहां कहां पे जा रहा है और कैसे इसकी वायरिंग हार्नेस वर्क करती है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डायग्राम दिखाते हैं कि कहां कहां पे इसका सेल्फ स्विच का एक एक तार जाता है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, ये इसकी कम्प्लीटली वायरिंग हार्नेस है और यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी उलझा हुआ है, बट अभी सारे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी स्विच की जो छः वायर कहाँ पे जा रहे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने वायर कवर किया था ब्लैक प्लस रेड, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लैक प्लस रेड लिखा हुआ है और यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 वायर इसके अंदर से जा रहा है और जो मैंने ब्लैक प्लस वाइट जिसको मैंने बताया था, तो ये भी देखें 1 2 3 4 5 6 जगहों पे जा रहा है। और इसके डिस्क्रिप्शन की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर दिखाएं तो इस जगह पे देखें तो ये इसका एक स्विच असेंबली है, बहुत ही डीपली तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वैसे भी अगर आपको वीडियो में अगर समझ में नहीं आता है तो अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कॉपी हम जो पीडीएफ को कंप्लीट क्रिएट करके आपको दे देंगे, कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा जो आपको इंस्टाग्राम या फिर जो इसके टेलीग्राम वगैरह पे आप चैट करके मुझसे ले सकते हैं। मैं दोनों जगहों पे अवेलेबल हूँ, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं बीएसएस की कोई सी भी बाइक और कोई सी भी पीडीएफ। तो ये इसका जो है डिस्क ब्रेक टाइप का है जिसमें ये कंप्लीट काम करता है और ये है ड्रम ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक के लिए जो वायरिंग हार्नेस है वो अलग तरीके से वर्क करता है और जो डिस्क ब्रेक का वायरिंग हार्नेस है वो अलग तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे अगर स्विच असेंबली की मैंने जो बात किया था, बहुत ऐसे मैकेनिक भाई जो समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने जो बताया बस कंप्लीटली सारा चीज यहाँ पे है, वही सेम टू सेम। ये देखिए स्टार्टर स्विच में मैंने कहा था, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टर स्विच, दो वायर जा रहा है, एक ब्लैक प्लस रेड और हमारा ग्रीन प्लस येल्लो। तो स्टार्टर में देखें तो दो वायर जा रहा है दोनों, और स्टॉप में यहाँ पर अगर देखें इंजन स्टॉप स्विच, तो इसके लिए भी दो वायर जा रहा है, ब्लैक प्लस व्हाइट और येल्लो प्लस ब्लू। तो ये दोनों वायर जो है स्टार्ट स्टॉप के लिए काम कर रहा है। सेम वायर यहाँ भी जाएगा बट इसके ब्रेक स्विच में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये ड्रम ब्रेक का है, क्योंकि SP125 में दो वेरियंट आता है, एक आता है ड्रम का और एक आता है डिस्क का। तो वैसे तो मैंने वीडियो में बता दिया कि कहाँ कहाँ पे वायर जा रहा है, फिर भी आपको हम बताते चलें। तो देखिए यहाँ से एक वायर जो फर्स्ट निकल रहा है, सबसे पहले हमारा जा रहा है, ये देखिए सेल्फ वाले रिले में मैंने बताया था और यहाँ है अभी। तो ये जो वायर जा रहा है इग्निशन ऑन करने के बाद 6 जगहों पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दिया कि कहाँ कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले हमारा एक यहाँ पे जा रहा है टर्न सिग्नल रिले में, दूसरा जो वायर जा रहा है वो हमारा स्पीडोमीटर में जा रहा है, और तीसरा जो वायर जा रहा है इधर से जाते हुए हमारा जा रहा है सेल्फ स्टार्टर स्विच में, और चौथा जो वायर जा रहा है वो इधर से जाते हुए यहाँ जा रहा है इसके फ्यूज बॉक्स में, और पाँचवा जो वायर जा रहा है इसका यहाँ पे देखें तो पांचवा मैंने इसके बैकलाइट में बताया, देखें यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेक टेल लाइट और ब्लैक प्लस लाइट, और छठा जो मैंने बताया है लाइसेंस लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे हम लोग नंबर प्लेट लाइट बोलते हैं, तो यहाँ पे जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन को एकदम क्लियर करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को पीडीएफ की मदद से पता चल सके, बाइक में वैसा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत अंदर वायरिंग लपेटा हुआ था। तो यहाँ से जो 6 वायरिंग निकल रहा है इसके बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका जो ब्लैक कलर का और व्हाइट कलर का वायर निकल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 वायर इसका इस साइड गया, बाकी ये जो 3 वायर या 4 वायर है ये कंप्लीट सेंसर की ओर गया है, और कहाँ पे कैसे कट होता है जब इंजन को आप स्टॉप करते हैं तो कैसे हमारा इंजन स्टॉप हो जाता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ से वायर गया है सीधा यहाँ से जाते हुए हमारा कहाँ गया, इंजन स्टॉप के लिए, ये देखिए इंजन स्टॉप स्विच के लिए गया है, और दूसरा जो यहां से वायर गया है ये देखें वो इधर से होते हुए इसके फ्यूज बॉक्स में गया, देखिए ब्लैक प्लस रेड जा रहा, ब्लैक प्लस रेड, और यहां पे चला गया
इसके देखें फ्यूज रिले बॉक्स, तो यहां पे आपने नोटिस किया होगा रेड प्लस व्हाइट लाइन है वो भी फ्यूज बॉक्स में गया, ब्लैक प्लस व्हाइट लाइन ये भी फ्यूज बॉक्स में गया, तो इसके बीच में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज को उड़ा देगा, क्योंकि वायरिंग हार्नेस में प्रॉब्लम ना हो इसलिए दोनों जगहों से एक एक तार दिया है फ्यूज बॉक्स में। अब यहां से अगर देखें तो चार वायर जो इधर गया है, सबसे फ्रंट वाला जो ऊपर वाला वायर गया है ये हमारा आ गया यहां पे, अगर देखें तो इग्निशन कॉइल, इस जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इग्निशन कॉइल, और एक जो इसका वायर आया है ब्लैक प्लस वायर ये इंजेक्टर। तो आप यहां से समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये जो दोनों वायर इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल में दिया है, जैसे आप इंजन को स्टॉप करते हैं उस कंडीशन में या तो ये इंजेक्टर का फ्यूल रिलेटेड जो छिड़काव होना चाहिए उसे ऑफ कर देता है, या फिर स्पार्क प्लग का करंट जो होता है वो ऑफ करता है, क्योंकि यहां पे देखें ब्लैक प्लस व्हाइट कहां गया है, ये देखिए ब्लैक प्लस व्हाइट इंजन स्टॉप, तो जिससे हम स्टॉप करते हैं उस सिचुएशन में या तो इग्निशन कॉइल का करंट कट कर देगा या फिर हमारा फ्यूल का छिड़काव कट कर देगा। वैसे ही साथ साथ यहां पे देखें हमारा पर्ज वाल्व में भी गया है, और ये जो हमारा है आइडल स्टॉप जो होता है फास्ट करना स्पीड करना जिसे हमें ACV वाल्व बोलते हैं उसमें गया है, और एक और जो वायर गया है वो इसका गिया है यहाँ पे पर्ज वाल में। तो छह जगहों पे आपने देख लिया, चार तो यहीं आपस में ही है और दो इसके एक फ्यूज बॉक्स एक स्टॉप में। तो जब गाड़ी को हम स्टॉप करते हैं उस कंडीशन में इसका इंजेक्टर का यहाँ पे फ्यूल की छिड़काव भी रोक देता है और इसके स्पार्क प्लग का करंट भी रोक देता है। अब रही और ज्यादा जानकारियां कि जैसे ECM में कौन कौन से वायर गया है, फ्यूज बॉक्स, बैटरी, स्पीडोमीटर, ये कंप्लीट आपको कोई सी भी बाइक का चाहिए तो मुझे दो जगहों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं या टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां मैं अवेलेबल हूं, वहां मुझसे कांटेक्ट करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि तो मुझे इसकी कॉपी बनवाना पड़ेगा, ये कंप्लीट कंपनी रिकमेंडेड न्यू है तो ये हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, इसकी कॉपी आपको बना के साथ में दे देंगे। कुछ इसके कलर कोड है, जिसको कलर कोड नहीं समझ में आता है वो यहाँ से कलर कोड भी देख सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल है, गियर सेंसर का है, CKP सेंसर है, स्टार्टर है, फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप में कहाँ कहाँ से वोल्टेज आता है क्लियर A to Z, इसको अगर आप देख लिख के समझ लीजिएगा तो पूरी बाइक की वायरिंग को आप 100% समझ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे भी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको वीडियो में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, मैंने बता दिया 6 वायर इसका कहाँ जा रहा है और 6 वायर इसका कहाँ जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से अच्छी सीख मिली हो, और जब भी आप गाड़ी को बंद कर रहे हो उस सिचुएशन में गाड़ी बंद ना हो तो आप कोशिश करें कि ये जो इंजेक्टर लाइन कट नहीं कर पा रहा या फिर इग्निशन कॉइल का लाइन कट नहीं कर पा रहा, ये दोनों चीज़ों को जरूर चेक करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और PDF लेना हो तो हमें से कॉन्टैक्ट करें।